तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? आई हो बहुत बढ़िया हो गया। एंड आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि गाइस फोटोपिया बहुत सारे लोगों के मोबाइल में लैग करता है। मुझे कमेंट भी आई एक बंदे की, तो उसने बताया भाई इस प्रॉब्लम को फिक्स करो। तो मैं आज बहुत अच्छा वीडियो लाया हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। एंड अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइस फोटोपिया की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं फोटोपिया को कर लेता हूँ ओपन। तो गाइस फोटोपिया बेसिकली एक फ़ोटोशॉप ही है। आप देख सकते हैं ऑल टूल्स फोटोशॉप के हैं, लेकिन गाइस कुछ इसमें कमियां भी हैं, तो आज उसको मैं आपको बताऊंगा क्या कमी है फोटोशॉप में। तो गाइस अगर आपका फोटोपिया एप्लीकेशन लैग कर रहा है, तो आपका इंटरनेट डाटा स्लो है, नहीं तो प्रॉब्लम बता रहा हूँ। आप पहले एक फ़ोटो को मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ, जो मैंने अभी क्लिक की है, DSLR की फ़ोटो है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। फ़ोटो बहुत लेट हो रही है, एंड मैं हैंड वाले टूल्स पे क्लिक करके दिखा दूँ, फ़ोटो लैग भी कर रही है। फ़ोटो भी स्मूथली वर्क नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं कर रहा है मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैं सिलेक्टिव में ऑप्शन गया, आप देख सकते हैं फ़ोटो पिया बिल्कुल लैग हो गया, मतलब कुछ अब इसमें काम नहीं हो रहा है। तो गाइस इसका मेन प्रॉब्लम होती है आपकी फ़ोटो का पिक्सल्स कुछ ज़्यादा ही है, जो फ़ोटो पिया में सपोर्ट नहीं होते हैं। इसके पिक्सल्स बहुत ज़्यादा हैं या इसके MB ज़्यादा होगी, क्लियरिटी कुछ ज़्यादा होगी। तो आपको क्या करना है, फोटोपिया को ओपन कर लेना है, एंड आपको जो फ़ोटो इसमें एडिट करनी है हमको उस फ़ोटो को दोबारा इसमें ऐड कर लेना है। तो मैंने उसी फ़ोटो को इसमें दोबारा ऐड कर लिया अगेन, एंड इसको हम सेव कर देते हैं। JPG में जाएंगे एंड इसको हम सेव कर देंगे। तो इसमें कुछ हमको करेक्शन करना है, तो ऊपर जो 1000 लिखा है इसको हमको 1000 से कुछ कम कर देना है। तो मैं इसमें कर देता हूँ कुछ कम, 800 मैंने कर दिया, और नीचे का ऑटोमेटिक इसमें हो जाएगा, ठीक है। एंड हमको इसकी क्लियरिटी को भी थोड़ा कम कर देना है, लेकिन फ़ोटो में कुछ फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा, और इसको हमको इससे सेव कर देना है। इसका एक यही उपाय है, अगर आपका फोटोपिया लैग कर रहा है, फ़ोटो एडिट नहीं कर पा रहे हो, तो अब वो सेव हो चुकी है। अब मैं इसमें दोबारा उस फ़ोटो को इसमें ऐड कर लेता हूँ, जो मैंने अभी सेव किए, थोड़ा करेक्शन करके फोटोपिया से। तो मैंने फ़ोटो को इसमें दोबारा ऐड कर लिया है, एंड फोटोपिया अब काफ़ी अच्छे स्मूथली चलने लगा है। मैं सिलेक्टिव वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, एडजस्टमेंट पे, एंड चैनल मिक्सर पे आप देख सकते हैं तुरंत खुल चुका है। एंड इसमें आप कुछ भी अब एडिटिंग करोगे तो तुरंत इफ़ेक्ट आएगा, हमारी फ़ोटो में स्मूथली वर्क करने लगा है। तो गाइज बहुत अच्छा वीडियो है, और फोटोपिया भी बेस्ट एप्लीकेशन है, एकदम फोटोशॉप का ही है। तो गाइज वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एंड चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और फोटोपिया के बहुत सारे वीडियो मैंने अपनी चैनल में बना के रखे हुए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं।